Congratulations, sir. Kis baat se? Bach jane ki ya operation ki? Dono ki, janab. Thank you. Thank you. Baitho, Jafar. Baitho, Mehmood. Thank you. Allah ka shukr hai ji ki aap bach gaye. Haan bhai, bada khuda ka shukr hai. जनाब, ये आपकी नीली चिट्ठी सुबह की आई हुई है। जब किसी अफसर का तबादला होता है तो ये चिट्ठी आ जाती है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सारा खेल दाने पानी का सर। ठीक है, नरस्टेने को भेज दीजिए। राइट। हर शहरी अजाब में है, मुजरिम दंदनाते फिरे और शुरफा को सर्च पाने की जगह न हो, यह डिसिप्लिन है, नाकामी या नाहले। आपको वहां भेजने का मकसद दूर दराज के इलाकों को मिसाली बनाना था। वफद पे वफद चले आते हैं। क्या आपकी सबके साथ दुश्मनी है? जी नहीं, नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ये सब इल्जाम हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि कुछ तफसीलात बयान करूं, जाती और निजी नौयत की भी। कहिए। सर, मेरे वालिद को कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया था। वो बेगुनाह थे, लेकिन उन्हें दर्ज बर्स की जेल हुई। और असल मुजरिम वो मेरे पीछे, कानून के पीछे जाके छुप गए। उस दिन से पुलिस ऑफिसर बनना मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया सर। ऑब्सेशन। मसूद, वाकई पुलिस में जाओगे? हाँ, ये ख्वाब है मेरा एक। राहिला के लिए भी? अरे वो तो बड़ी पागल लड़की है, उसे तो महज चिढ़ाने में मजा आता है। पागल? पागल तो घर में नहीं है। शादी प्रपोज कर रही है, पापा को दरमियान मिला रही है। एक तो मुझे लड़कों की समझ नहीं आती, जैसे भी खुलूस से मिला तो बस समझ ले कि शादी प्रपोज कर रही है। ए, समझा क्या तुमने? नो, कर लो दुकानदारी। अरे तेरी खातिर उसे झटक रहा हूँ, तू उसकी साइड ले रही है। मेरी खातिर? कल न जाने मेरे बारे में भी तुम क्या कहते हो। तेरे बारे में? हाँ। नहीं सारा, तुम तो मेरा अक्स हो। बेहद मुश्किल, बेहद पागल। क्या क्या पागल कहा तुमने मुझे?
पटवारी यूं भी तुझसे वाकिफ था तो खुद चला जाता तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, फाइल भेजवा दीजिए। वैसे जो इंतकाले अराजी का मसला होता है ना, ये होता है बड़ा सुस्त, और फिर पटवारी पटवारी तो फिर पटवारी होता है। तुझसे बड़ा ऑफिसर होता है? बड़े बड़ों से बड़ा ऑफिसर होता है। मैं खुद चला जाता सच में। बाद ये मुझे थोड़ा सा, एक तो मीटिंग में जाना है 11 बजे, उससे पहले थोड़ा सा काम। उनके यहाँ कब जाना? उनके यहाँ भी चलेंगे, पोस्टिंग तो हो जाने दीजिए। मुझे तैयारी करना, दिन बता। तैयारी करके जाने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी दोस्ती हम दोनों में, बड़ी अंडरस्टैंडिंग। पहले तो कभी जिक्र नहीं किया, कैसे लोग हैं? जमींदार हैं आपकी तरह। कितनी जमीन है आपके पास? 1.5 मुरब्बा ना? उनके यहाँ बहुत है, बेहिसाब है। जात क्या? जात, जात क्या? देखिए, जात की उन्हें तो परवाह नहीं है, मुझे भी नहीं, आपको है। इतना सबक याद है तुझे? साहब जी, गाड़ी तो बर्फ हो रही है जी। बाहर क्यों खड़ी की थी? इनसे पूछें जी, इन्होंने की थी। मैंने तो जी अपना लेह भी डाला था इंजन के ऊपर, पर बैटरी फिर भी डाउन की डाउन ही रही। ओ जा भाई, जाके थोड़ा धक्का लगा दे उसको। मैं तो हफ गया हूँ जी अकेला। आप यूं कीजिए कि इसे आजाद कर मुझे जी। और क्या, तू भी तो खटारा हो गया उस गाड़ी की तरह। खैर, गाड़ी तुझसे एक नंबर आ गया। नहीं जी, चलती तो वो ठीक ठाक है, बस उसका वाज थोड़ा सा कोड़ा है। अच्छा, चल चल। अमसु, तुम्हारी पोस्टिंग? अभी नहीं, लेकिन चाहता हूँ शहर से करीब हो। वो क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या करें जनाब, हमारा ना मुश्किल है, जबान कहूँगे। पुलिसमैन और इतना एक्साइटेड, व्हाट अ कंट्रास्ट। क्या बात कर रही, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं क्या? अरे, दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, और फिर ये खुशबू है जो तेरे और मेरे लहू में साथ उतरती है। कोई हल्की फुल्की बात करो मसूर, आज जनाब, आज के बाद सारी बातें भारी भरकम होंगी, और सिर्फ मैं नहीं करूंगा, मेरी वालदा करेगी। क्या बात? कहा था ना तुम्हें हैरान कर दूंगा, तैयार हो जाओ, वो तुम्हें बांधने आ रही है। ये तो हंसी छूट रही है मसूर, तुम भी कभी कभी अजीब बातें करते हो। हाय हाय, यही अदा तो दिल चीर जाती है। हाँ सारा, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रही है। मेरा रिश्ता? क्या हुआ, खुशी नहीं हुई तुम्हें? प्लीज प्लीज मसूद, कभी कभी ऐसी बात ज़बान पे नहीं लाना, प्लीज प्लीज। मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक कैसा, सच बताओ। कभी किसी इशारे से, मेरी तरफ से किसी जज्बे का इजहार हुआ? कभी कोई दोस्ती बात की मैंने? वो साथ फिरना, वो डिबेट्स, पार्टीज, वो सब क्या था? दोस्ती थी। दोस्ती, बस संजीदा हो तुम? मैं जब 4 दिन की थी ना, तो मेरी मंगनी हो गई थी उससे, जिसने अभी पैदा होना था। उससे 4 बरस छोटा है मसूद। इस तारे को तोड़ दो। नहीं, टूट सकती हूँ, तारा नहीं तोड़ सकती। बगावत कर दो। जंजीर से बंधी हूँ मसूद, जो जमीन के लोहे से बनी है। मेरे नाम 12 मुरब्बे जमीन है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जमीन, दस्तबरदार हो जाओ तुम। वो कैसे छोड़ेगा जो
जो महज इस जमीन की वजह से मेरे साथ बंधा है। खानदान से बाहर निकलने की सजा जानते हो? वो मेरी मौत पर इक्तफा नहीं करेंगे, दाना दाना बिखर जाएगा। मैं जीना चाहती हूँ, सुन, मैं जीना चाहती हूँ। जीना चाहती हो? जी सकूंगी? मैं नहीं जी सकूंगी तो क्या हुआ, दूसरे तो जी सकेंगे ना। चाहे जमीन का बोझ अपने गले में डालकर दरिया में क्यों उतरना पड़े, जमीन उनके पास शाहत है। अच्छी बात चाहत है, अच्छी बात चाहत है, ये जो दूसरों को गदागर बना देती है। तो मुझे ये बता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने अरसे चुप क्यों रही तुम? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, डिस्टर्ब हो जाते। डिस्टर्ब हो जाता, धरा रह जाता पीसीएस तुम्हारा। अच्छा था ना वो? तो ये एहसास जो अब मुझे हो रहा है कि पांव रखता हूं तो लगता है कि दलदल में धंसता चला जा रहा हूं, ये तो ना होता। कल आज में कितना बदल गया है? मैं नहीं बताना, मौसम बदल गया है, नहीं जाना उनके यहां। बस सारे तौर तरीके बाप की तरह हैं तेरे भी, खुदा मगफरत करे, घड़ी में तोला घड़ी मैं में कोई काम करना चाहता हूँ। उकता देने वाला, थका देने वाला। मुझे फरागत ना होने देना, मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या है? फील ये सीमा, मेरा मतलब है, देखिए ना। हाँ क्या चला जाएगा, बस तुम्हारे इस रवैये से थक जाती हूँ कभी कभी, दिमाग उकताने लगता है मेरा। मेरी बात का जवाब देना, सुलगती रहती हूँ अंदर ही अंदर, हर मर्तबा टाल जाते हो, मगर याद रखो मेरा नाम भी फातिमा हुसैन है। कौसर, कौसर, सब बैठी हुई थी, उठी हैं और वहीं बस वो टांग पकड़ के रह गई हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसे बगैर चोट के शायद कैंसर हड्डी में पहुंच चुका है। हड्डी का कुछ हिस्सा तजिए के लिए लेबोरेटरी भिजवाया है, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नौकरी, सच्ची बात है बेगम साहब जी, बैठे बिठाए जुदाई डाल दी मां पुत्र में। सामान पैक हो गया, समियान तो मैंने रात ही बांध दिया था जी, मफलर भी रखना था। मफलर मुझे अटैची में बिछा दिया था। लेटी रही, लेटी रही, मैं सिर्फ सलाम करने हाजिर हुआ था। प्यार भी तो ले ले, इन्हीं कपड़ों से जाएगा है? क्या खराबी इनमें, ठीक तो है। यूनिफॉर्म तो पहन के दिखा दे। लो, पहना था ना उस दिन। आप फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं आता जाता रहूंगा। पहन लो साहब जी, जाने से पहले गली मोहल्ले के दो चक्कर ही लगा जाओ। लो सुनो, इसकी किस लिए भाई वो? जरा रोब के लिए, ये जो चौधरियों का मुंडा ना, बाला कबूतरों वाला, उसको तो छतों थले ला जाओ, सारा दिन कबूतर, सारा दिन पतंग। लगता मैं इसकी सुला नहीं उससे अभी तक। अच्छा सुने, पता है ना आपको, हफ्ते में एक दफा अस्पताल जरूर जाना है। साहब जी, साहब जी,
ओए ओए ओए। वो जी बात ये है कि ट्रंक तो हो गया है, इसे अटैची में क्या रख दिया है जी आपने? भारी है। ओए 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 ओए, मेरा तो जी अंदर पेटा दुरा हो गया है। विलायती चूल्हा तक तो रख लिया जी आपने इसमें। वैसे उसके रखने भी क्या लोड थी, अल्लाह ने चाहा तो वहां पर आपको पक्की पकाई मिलेगी। कीजो चल इधर आ जरा हाथ पुआ। आजा आजा। सबका पला सबकी खैर। बड़ा खतरनाक इलाका है, साबर ने बताया मुझे। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं, कोई इलाका खतरनाक नहीं होता। थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन इतनी नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर साहब हैं? उस वक्त मैं घर में अकेला था। छोटा भाई भी था जी। चुप करो बुजुर्गो, क्यों केस खराब कराना है? मैंने पूछा था कि एक मिनट सबर करो, बैठो तशरीफ रखो। उस वक्त घर में दो ईटा लिख दिया। जी हाँ जी हाँ। गलत बयानी अच्छी नहीं होती है बुजुर्गो, आपको चौधरी साहब से मिलना है जी। वड़े या छोटे? दोनों से। दोनों साहबान गश्त पर आए, स्टूल पर बैठो। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था, उनके मुंह को चोखी सट लगी है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिरगट पियो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं आए। उनके बंदे आए थे रिपोर्ट कराए, मगर बड़े चौधरी साहब ने इनकार कर दिया है। हाँ। खुदा करे तो सुलह हो जाए, वरना ये मुकदमेबाजी में टाइम बखरा जाया होता है और बिजली वाक होती। हम अब जाए? हाँ। सुनो, 2 दस्ते कागजों के सफेद कल लेते हैं। लेता जनाब। चाबी। वापसी कब तक होगी? रिपोर्ट शिपोर्ट आ लीजा। जी नहीं। हुक्म करें फिर। SHO साहब कहाँ? अरशाद फरमाओ, कोई बोतल शोतल मंगवा। जी नहीं, मेहरबानी। कोई चाय कोई पानी? नहीं जी, शुक्रिया। वह फिर कटती हो? नहीं जी नहीं, शुक्रिया। वो गश्त पर आए? दराज है गश्त का। वो इनको अंदराज बखाओ भाई, आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, आपको चाय पानी पूछा है, बोतल पूछी है, सिरगट का पूछा है, ऊंचे वाले स्टूल पर बैठाया है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मेरा नाम मसूद रहमान है, ASP। मार्क वाकिफ है वो रहमत खान। जी हुकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखने में आप लोग बड़े चाको चौबंद नजर आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मैं चाहता हूं कि मैं तमाम थानों में अपना दफ्तर लगाऊं, कचहरी। इलाका खतरनाक है सर, आपको तकलीफ होगी। अब नहीं रहना चाहिए सर, यहां लोग लड़ते बहुत हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। देखिए आप लोग सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं,
लेकिन हम दोनों एक दूसरे से उस वक्त कुछ सीख सकते हैं जब हम दो टोक बात करना सीख जाए। ठीक है? जी जी बिल्कुल। कोई दिन खाली नहीं जाता है, चोरी, कमारबाजी, टकेती। ये क्या? खाना है सर। किसके लिए? आपके लिए मंगवाया। मैंने खाना नहीं मंगवाया। मैंने मंगवाया सर। कितने पैसे भाई? देखिए मैं परहेजी खाना खाता हूँ, आप कांस्टेबल को भिजवा दीजिए अपनी तरफ से। बोला। सलाम वालेकुम डा। आ सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। शिफ्ट के शुक्रिया जी। जी फरमाइए। वो जी बस सलाम करने हाजिर हुए थे। जी हाँ जी, वो हवेली इंतजार कर रही है आपका। हवेली? माफ कीजिएगा मैं जरा मसरूफ। दुरुस्त है जी, लेकिन वो मैं सिर्फ दो हर्फी बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ जो भी आया है उसी हवेली में ठहरा है, बल्कि यूँ समझिए कि उसने इज्जत बख्शी है हमें। लेकिन मेरे पास तो है अकोमोडेशन। यकीन होगी जी, लेकिन अगर आप हमें इज्जत बख्शना चाहें तो आपके लिए तो मामूली बात है। देखिए जी जलील, जलील साहब जी, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चलिए मैं एक दो रोज़ के बाद हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन साहब एक शर्त होगी। फरमाइए। आज रात का खाना आप मेरे गरीब खाने पर तनावल फरमाइएगा। ये दरअसल हमारा ही नहीं जी, इस इलाके के दूसरे मुअज्जिन का भी यही दस्तूर है जी। देखिए इनकार ना कीजिएगा प्लीज़। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या यूं कहिए कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जी बहुत बेहतर, जैसे आप मुनासिब समझें। वो बाड़े गया था जी मेरा एक दोस्त, ये दो सूट लाया है मेरे लिए, ये इम्पोर्टेड हैं और गर्म भी। उठाइए सर, उठाइए जी, उठाइए से जी बेटा। सॉरी सर, बहुत शुक्रिया जी। जी सर। क्या आप हुसैन को बोला? जी बेटा। जी सर। किसकी फाइल है ये? चौधरी इलियास की है जी। पहले ये इलियास होता, इलियासा हो गया, चौधरी इलियास हो गया। अब ये नेक हो गया सर। ये कौन है जूरा? ये कमाल शाह है जी, इसका तो आज तक सुराग ही नहीं चल सका कि क्या चीज है। कत्ल, अखबार, डकैती, कमारबाजी, मनशियात का धंधा, क्या किस्सा है जाफर ये? पता नहीं क्या किस्सा है जी, मुझको तो बिल्कुल पता नहीं, मैंने तो इसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। वैसे इसके कारिंदे जो हैं वो कई दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं। सजा हुई किसी को? गवाह बैठ जाते हैं सर, कोई रकम लेकर, कोई वैसे डर कर। जाफर सर। जी सर। कौन देगा गवाही प्रोटेक्शन के बगैर? सर मैं तो कई दफ़ा खुद जाके इनको समझा चुका हूँ। समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इलाके से दहशत और हरास ख़त्म कीजिए। सर मैं तो 4 साल से यहाँ हूँ। आपसे पहले स्टेशन तो मौजूद था यहाँ? ये बात नहीं सर, वो जो है ना असल में लोग उसकी मुट्ठी में। आप भी? नहीं सर, मुझसे पहले। आपसे पहले? जी। आपसे पहले क्या था, आपके आने के बाद क्या हुआ, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये शख्स जूरा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अब तक, और अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा, बस। जी सर।
ये कौन? बुलाओ। मुल्ज़म है सर। बुलाओ। रहमत, इधर लाओ इनको। जल्दी आओ। ये मुल्ज़म है या मुजरिम? मुजरिम ही समझे सर। हैं या समझ लो? सर ये प्यार की बात नहीं समझते, लातों के भूत है ना, बयान तो लेना होता है ना जी। ये कौन है? ये सर, ये बहुत चालाक लोग हैं सर जी, आपको खपा देंगे। है कौन ये? ये सर मुश्ताक कट्टर, माली है, शोर बहुत मचाता है, हालांकि चोर है। क्यों करते हो चोरी? तंग करते हो हमें लोगों को? जनाब जी, चोरी नहीं की जी। बकवास, पीछे हट कर बात करो, माफी मांगो साहब से। बताओ, कहने दो इसे जाफर। हेलो जाफर। जी सर। हाँ सच सच बताओ, क्या किया था? दरख्त काटा था जी। क्यों, किस लिए? गया था, गिरने वाला था जी। बिल्कुल बेचते हो? चूल्हा झोंकता हूँ। अगर पूछे? पूछा था बेगम साहबा से, पूछा था जी मैंने। बेगम साहब से पूछा था, तो फिर किस लिए? जी ना जमाल साहब तनख्वाह रोकते, ना मैं उनकी शिकायत करता, ना वो चोर कह के पकड़वाते मुझे। अब जी मैं उनके यहाँ काम नहीं करूँगा जी, आप मुझे किसी और जगह माली रखवा दीजिए साहब जी। और अगर 100 रुपये मजीद मिल जाए ना जी तो। 100 रुपये मजीद मिल जाए, 100 रुपये मजीद मिल जाए। ना मिले 100 रुपये तो क्या करोगे, हराम खिलाओगे बच्चों को इसी तरह? और तुम? मैं 10 नंबर ही था साहब जी, अब मेहनत करता हूँ, रेडी लगाता हूँ। चोरी कहीं हो जाती है बुलाओ मुझे लेते हैं जी। बदमाशी क्यों छोड़ दी? हो जनाब, बच्चे जो आन हो रहे हैं जी, पहले वो माँ से पूछते थे, फिर लोगों से पूछने लगे, अब तो मुझसे भी पूछते हैं कि मुझे मार क्यों पड़ती है। मैं इलाके का बदमाश हूँ मगर ऐसा नहीं है साहब जी। जी सर। बुलाओ जाफर। जाफर। जी सर। इनकी दोनों की फाइलें सुबह मुझे भिजवा दो, भेजो इन्हें। बेहतर सर। चलो रहमत, इधर आओ, इनको ले जाओ बाहर। चलो सलाम भाई बाप। ये चूरा है, मनुष्यात का धंधा, फायरिंग, कत्ल, डाका, काला धंधा, समझ नहीं आता है क्या किस्सा। हेलो। हाँ टीम तैयार कर लीजिए अपनी। जी सर। गश्त के लिए सर? नहीं छापे के लिए। 11 बज चुके हैं सर, मुझे अंदाजा है वक्त का। वो सर वो सर्दी का मौसम है, जर्सियां जो हैं हेडक्वार्टर से परसों पहुंचेंगी। नहीं जाफर हुसैन, ये आज होगा और इसी वक्त होगा। मेरा तो ख्याल है सर कि ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर देंगे। किस लिए? वो सर जी रास्ता खराब है, टीले की चढ़ाई है, सर्दी का मौसम है, वैसे भी सारा अमला थका हुआ है सर। सारा अमला थका हुआ है तो वो भी थका हुआ होगा, इसलिए कि उसने अभी अभी नजीर लोधी को उसकी मोटरसाइकिल समेत अगवा किया है। जी सर। जानते हो किस लिए? इसलिए कि उसने हमें इत्तला दी थी
مدد کی تھی ہماری. اور جانتے ہو کہ میں اس وقت کس لیے جانا چاہتا ہوں؟ جی سر. اس لیے کہ رات ہے, اندھیرا ہے, ٹیلا ہے اور چڑھائی ہے. تم لوگ ہمیشہ دن کے وقت جاتے ہو نا؟ جی سر. تاکہ وہ تمہیں آتا دیکھ لے. ہاں, جب تک ہوتا رہا جابر حسین, اب نہیں ہوگا. یہ دیکھ رہے ہو؟ جی سر. یہ ہے وہ جگہ. جی جی. یہ رہا آموں والا باغ, اور اس کے ساتھ اس سڑک کے کنارے آ کر کے یہ کچا راستہ ہے, کچے راستے سے اوپر یہ ٹیلا ہے. جی سر. یہاں تک گاڑیاں جائیں گی, یہاں آپ لوگ رک جائیں گے, اور اس کے اوپر صرف ایک آدمی جائے گا, وہ آدمی ہوگا میں. آپ سب لوگ انتظار کریں گے نیچے میرے وصل کا. تھینک یو. رات غور کریں. نمبر ایک, کوئی حاضری ڈالے بغیر تھانے سے باہر نہیں جائے گا. نمبر دو, تحریری آرڈر کے بغیر کوئی کسی کو چیک نہیں کرے گا. نمبر تین, داخل خارج روز نام چاہ, روزانہ رپورٹ, صبح شام الگ. آیا سمجھ شریف میں؟ جی آ گیا. جو بھی آتا ہے تھر تھلی ڈال دیتا ہے. دو سوا دو دن. بڑے آئے تھے بڑے گئے. بڑے گئے. عمر چھوٹی آئے, تجربہ کم آئے. آرڈر تو آئے. صبح سے تیسرا آرڈر آئے. تم نے حاکم علی جیسا کوڑا زہر بندہ نہیں دیکھا؟ یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. بچ کے نکل گیا یہ جورا بچ سے, لیکن اس جنگل میں یا جورا رہے گا یا میں. یہ سر جی, یہ سراج ہے ساجا, یہ جورے کا بندہ, اس کے لیے کیا حکم ہے سر؟ کارندے ہو اس کے؟ میں تو خریدنے آیا تھا, سودا لینے آیا تھا. سودا؟ نشہ کرتا ہے سر, دیکھیں اس کا جسم کیسے کانپ رہا. کوئی شرم نہیں آتی ہے تم کو ہیں؟ اخباروں میں تصویر چھپے گی تمہاری. میں پاگل ہو جاؤں گا, پاگل ہو جاؤں گا. میں مر جانا چاہتا ہوں. اس کا نشہ کرتے ہیروئن. چھوڑ دو چھوڑ دو, چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں مر جاؤں گا, چھوڑ کر بھی پی کر بھی مر جاؤں گا. کیا عمر ہے؟ بیس, اکیس, تیس.
तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अब तक? वो खरीदने वाले को बचाते भी हैं। बकवास करता है सर, ये इसका नशा टूट रहा है, इसका ज़हन काम नहीं कर रहा। ये देख, अभी अपने जिस्म को नोचेगा। कितना रुपए खर्च करते हो रोजाना? 100 रुपए। 100 रुपए आते कहाँ से? आ जाते हैं। सुना तुमने जाफर हुसैन, रुपए आ जाते हैं? जी सर। वो खरीदने वाले को तहफ्फुज भी देते हैं? जी सर। बकवास करता है सर। तो मैं सोचता हूँ इस मुजरिम के पांव तो दलदल में होने चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? हेरोइन मिलती है यहाँ इस इलाके में कहीं? जी सर। नहीं सर, मेरा तो ख्याल है कि नहीं मिलती जी, मेरे इलम में नहीं सर। मैं पीना नहीं चाहता, मैं नहीं पीना चाहता, मैं पीना नहीं चाहता, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। भेजो उसको क्लिनिक, जाकर उसको क्लिनिक भिजवा दो और इसको बंद करो। भेजो इसे, चलो इधर आओ, नहीं चलो, चलो चलो। तो अब नेक्स्ट तैयारी कर लो रेड की। जी सर। ज्यादा वक्फा नहीं देना चाहिए उसको। अगर 2 माह और लेट हो जाते तो तुम्हारा इलाज सिर्फ और सिर्फ हेरोइन का और जिंदगी चंद रोज। अब जिंदगी लौट आई है तुम्हारे अंदर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जी सर, वो तस्दीक हो गई सर। किस बात की? 25 लाख का गबन है और वो बंदा जूरे का। आज शाम जूरा गिरफ्तार हो जाएगा। वो तो खैर ठीक है सर, वैसे लाखों के चक्कर में लाखों ही होते हैं सर। जाफर हुसैन, आज शाम आपकी सारी फोर्स तैयार रहनी चाहिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू। जी सर। अभी यूरोप जाने की जरूरत नहीं भाई, सब कुछ तो यहां मौजूद है। हजूर साहब, अकेलेपन से घबरा जाती हैं शायद। भाई इसलिए तो कहता हूं कि अस्पताल एडमिट करा दे, मैं वहां पर मौजूद हूं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हैं? थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपके चेहरे पे पहले से ज्यादा रोशनी है मुझे लगता है। एक सांस में अच्छी भली होती हूँ, दूसरे में लगता है मरने जा रही हूँ। हालांकि कुव्वत इरादी इतनी मजबूत है आपकी, ये देखिए। इतने सारे, मैं कहती थी ये नौकरी ना कर, कब्र का अजाब है मेरे लिए, उठा। बड़ी खुशी हुई आपकी डांट सुन के, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये जनाब मैंने अपनी जमीन बेच दी है। जमीन बेच दी? यही तो एक साया था तेरे सर पे बेटा। नहीं माँ, तुम हो मेरा सबसे बड़ा साया, और ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए। तेरी बातें सुन के जी उठती हूँ, जा कपड़े बदल, मेरे पास बैठ। इसका वक्त नहीं है, जब भी मुझे किसी मिशन पर जाना होता है ना, खतरनाक वाले, तो सोचता हूँ आपसे मिल लूँ। ये जो हमारा काम है ना, इसमें कुछ पता नहीं होता जिंदगी का। जान जोखों में डाल के यूं भी तो खुश रहता है। अच्छी बात नहीं है अगर एडवेंचर और फर्ज दोनों इकट्ठे हो जाएं। अगर तुझे कुछ हो गया तो? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। धूप छांव है, जिंदगी के पेचो खम है।
जिंदगी बचाना फर्ज नहीं है क्या? किसकी जिंदगी? पुलिसमैन की? ना, पुलिसमैन की अपनी जिंदगी नहीं होती, वो दूसरों में जीता है। इजाजत। फिर अंगना बात चल। जल्द नहीं, जल्दी जल्दी। तेरे जाते ही दिल सुलगने लगता है मेरा। क्या कहा? जल्दी जल्दी। जिंदगी का भरोसा सेहत में नहीं तो बीमारी में क्यों हो? बीमार होना और बात है, और बीमारी के सामने सपर डालने दूसरी बात है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आपको अस्पताल में मुंतकिल करा दूं। देख लिया आप लोगों ने? जी सर। सुबह सूरज निकलने से पहले बस इतना ही वक्त है हमारे पास। मैं उस शख्स की शक्ल देखना चाहता हूं जो बरसों से इस काम का धंधा कर रहा है। आपने देखा उसे? जी ना सर। आपने? नहीं सर। और आपने? खैर आपने तो क्या देखा? नहीं सर। फिर किसने देखा उसे? किसने देखा है उसे? कोई तस्वीर, कोई फिंगरप्रिंट्स? समझ में नहीं आता कि जो भी शख्स पकड़ा जाता है वो कोई दूसरा क्यों होता है। ठीक है सर, अगर आपने इरादा ही कर लिया तो मेरा ख्याल है वो बचकर नहीं जाएगा। चैलेंज बन गया है ये मेरे लिए। चैलेंज ही नहीं, इस सारे डिपार्टमेंट के लिए बदनामी और कलंक का टीका। जी सर। आप फिक्र ना करें सर, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया सर। समझ गए हैं आप लोग? गुड। आइए। मौजूद थी। एक मिनट पहले मैं इस कमरे में मौजूद थी। बाहर के दोनों गेट जो है वो एक डिजाइन के और एक रंग के हैं, और वो घर मेरी बहन का है। शायद वो वहां हो। सैफू, सैफू,
लगा लगा कर इसे खत्म कर दूंगा मैं। खत्म नहीं करना, जिंदा रहे ना मुर्दा। एक घंटे के लिए जा रहा हूं। इंतजाम कर लो। ठीक है।
मैं चाहता तो तुम्हें गोली से उड़ा सकता था, कीमा बना सकता था तुम्हारा, लेकिन नहीं, तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि अगर अदालत तुम्हें 100 मरतबा फांसी की सजा दे तब भी कम है। तुम्हें जूरा बने पड़ते थे। मेरा नाम करमल्ली है जी। आग के समंदर से गुजरा हूं मैं, किसी गवाह की जरूरत नहीं है मुझे। लोगों को मफलूज बनाते हो, पर तुमने तुमने उस मासूम की जान क्यों ली? क्यों ली तुमने उस मासूम की जान? किसने मारा तुमने उसे? बच्चा एक ख्याल होता है, एक मासूम फूल होता है वो। तुमने एक पूरा जहान खत्म कर दिया कमीने! नाम तुम्हारा अमीन है लेकिन मुखबरी करते हो, हमारी बातें जाके दूसरों को बताते हो। सारा मुआशरा जिन मुजरमों के ताक नहीं धो सकता उन्हें तुम सीने से लगाते हो पुलिस में होकर। शर्म आती है मुझे, लेकिन तुम पुलिसमैन कभी थे ही नहीं। तुमने महज वर्दी पहन रखी थी पुलिसमैन की, इसके अंदर तुम एक जालिम और कबीले आदमी हो। सस्पेंड करें जी इसको। तुम तबाशी लहजे में बोल रहे हो, जानते हो जुर्म इसका? जुर्म तुम इसका जुर्म। सारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, कोई नहीं कहेगा कि इसका जाती फेल था। सर प्रेस में आ जाएगा, चर्चा होगा, बदनामी होगी, खामखा आपकी हमारी, आप इसे दफा करें सर। बिल्कुल जी, बात उछल गई तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। तुम सब मिलके मुझे इस दायरे में घसीटना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम मैं इस इम्तहान में पूरा उतरूंगा। ले जाओ इन्हें और पर्चा दर्ज करो। ओके सर। अभी और इसी वक्त। जनाब वहीद खान सलाम के लिए हाजिर हुआ जी। बोला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम वहीद खान है, सुना होगा आपने। जिन्हें अभी ज्यादा अच्छा भी तो रहना हुआ आपको, सुन लेंगे, जरूर सुनेंगे। फरमाइए। ओ करमल्ली ऐसा नहीं था, हुआ ये कि कौन लोग हैं आप लोग, क्यों आ रहे हैं मेरे पास आप? वो सर ये वहीद खान है और इस इलाके में जो शख्स करमल्ली का नाम इस लहजे में लेता उसे मैं जान गया। सफारिश करने नहीं आया, जमानत देने आया हूं। उसका जुर्म इतना बड़ा है कि जमानत तो क्या, अगर सब कुछ हो सकता है सर, अभी तो आपके हाथ में है। और वो हाथ जो मेरे गरेबान पर है, खुदा ना करे जी, तोहफा तोहफा, वो उस मासूम फरिश्ते जैसे बच्चे का हाथ है, उस माँ का हाथ है जो बेकसूर है लेकिन अपना दुख रोने मेरे पास आई भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके दुख को, उसके दर्द को। कुछ चीख अब तक मेरे कानों में मुंजमद है जो उसकी फरियाद थी। तुम लोग मुजरिमों के लिए तहफ्फुज़ मांगते हो, तुम्हारा दिल दिमाग ज़हन किस धात का बना हुआ है? सर ये होता है और ऐसा होता रहा। तुम कह रहे हो? जी सर। लेकिन अब नहीं होगा ऐसे, इस संदिग्ध और बेहुदा मजाक के बाद तुम्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल निकल जाओ यहां से। आप टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं सर, मेरा ख्याल था आप तजुर्बाकार हैं, किसी की जिंदगी अजीरन करने से
सुख मिला नहीं कभी। सर आप इन्हें जान तो लें। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, और मत बोलो मेरे साथ इस तरह। फर्क कोई तमीज न करने का मतलब नहीं है कि तुम हुदूद ही पलंग जाओ। जाओ। एक जैसी ठली ठलाई सूरतें, 25 लाख रुपए का गबन, मामूली बात है आप लोगों के लिए। सर अखबारात उछालते हैं ज्यादा, गबन होगा तो खबर तो अखबारों में आएगी। जनाब मेरी इतला है कि मुल्ज़िम सरहद पार चला गया है, हमने जब भी छापा मारा। खुल के कह रहे हैं कि नूरा छापे हैं, क्या जवाब है आपके पास इसका? मेरी इतला है कि आज शाम वो पूनम प्लाजा आएगा। जनाबे वाला रहने दीजिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद, लेकिन कब तक मुझे को जाना होगा। कोई मिलने आया होगा? सर राणा साहब आए, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। सर वो 2 मरतबा पहले भी आ चुके हैं। जानता, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। उनके पास चिट्ठी है सर, अगर आप देख लें तो। बारिश की जरूरत नहीं है, जाओ तो। ओके सर। सर वो राणा साहब को थोड़ा सा वक्त दे दें जी। 2 आदमी क्या पकड़े गए हैं, सिफारिश पे सिफारिश चली आ रही है। सर जिंदगी में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए सर। इसलिए कि जूरा गिरफ्तार हो गया? वो जूरा नहीं है सर। फिर कौन है? वो लियासा है, और गिरफ्तारशुदा लियासा के खिलाफ जुआ खेलने का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है सर, बस इतनी सी बात है। जाफर हुसैन, तुम जैसी काली भेड़ों ने हजारों नूरे चूरे लियासे पैदा कर रखे हैं। पैदा नहीं किए, तहफ्फुज भी दिया है उन्हें। कहीं ना कहीं खम आ ही जाता है सर, बाकी सब इल्जाम है। इल्जाम है, इल्जाम है, तो फिर दो जवाब इसका।
غور سے دیکھو جعفر حسین اس اخبار کو. یہ تصویر ایک منشیات کی عادی نوجوان کی تصویر ہے. یہ کینسر ہے جعفر حسین جو ہماری نسلوں کو کھا جائے گا, موجودہ بھی اور آنے والی بھی. مجھے توڑنا چاہتے ہو نا, یاد رکھنا جعفر, نہ میں ٹوٹ سکتا ہوں نہ جھک سکتا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی اصلاح کروں یا تمہاری. جی ہاں, یہی بات تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسے شرفا کو ایک ظالم کی رہائی اتنی عزیز کیوں ہے. خود دیکھ لیجیے کتنے واقعات ہیں تشدد کے, اغوا ہیں, 8 برس پرانا ایک قتل ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جورا ہے کون جس کے کارن دجال کی طرح ہر طرف پھیلے ہیں. دراصل پولیس کی اور جورے کی پرانی دشمنی ہے سر. سگریٹ؟ نو تھینک یو. خان صاحب ایک شریف ذمہ دار ہے بیچارہ, چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو انسان سے ہی ہوتی. بند کیجیے اسے, بند کر لیجیے اسے. چھوٹا آپ وہی ہیں؟ جی میں, جی ہاں میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا اور آپ کے ساتھ جمیل بھی تھا, 25 لاکھ کے غبن کا مرکزی کردار. درست کہا آپ نے, خالی جیب آرزوؤں کا خزانہ ہوتی, ہم آرزوؤں کا تبادلہ تو کر سکتے. بہت روپیہ ہے آپ کے پاس ہے نا, ممکن ہے آپ کے ظرف کے برابر نہ ہو, پھر بھی. ہلو. جی ہاں, طبیعت تو پہلے بھی خراب تھی ان کی. نہیں, معافی مانگ لیجیے گا, اس وقت تو حاضر نہیں ہو سکوں گا. کہیے گا آپ کے بیٹے نے سلام کہا ہے. سوری, ذاتی سے کام تھا. سر بہت کم قیمت لگائی آپ لوگوں نے اپنی, اس سے زیادہ حقیر اور بے مروت ہے میں نے آج تک نہیں دیکھی. اٹھائیے سر اور تشریف لے جائیے یہاں سے, تشریف لے جائیے یہاں سے. جان کی طبیعت کیسی سر؟ مکمل کر کے لائیے اسے, سیدھا سادھا مرڈر کیس ہے. ساگ سر. کیا بات؟ چودھری اسلم بری ہو گیا سر. چودھری اسلم بری ہو گیا, کیسے سر؟ مدعی نے عدالت میں بیان ہی بدل دیا, اس نے کہہ دیا کہ میں جی اغوا ہی نہیں ہوا. ایسے بھی ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے سر, یہاں کے لوگ بہت جاہل ہیں. دوا کریں سر جی, ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نا جی. بلاؤ مدعی کو ذرا. بہتر. ہاں بھائی, کیا ہوا؟ اغوا ہوئے تھے نا, اسلم نے تمہیں رسیوں سے باندھ کے رکھا تھا, پھر کیوں بدلا بیان تم نے اپنا؟ میری ساری محنت, ساری بھاگ دوڑ پہ تم نے پانی پھیر دیا.
इस जुल्म की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जनाब आप तो यहाँ से जा रहे हैं मगर मुझे इसी दरिया में रहना है और यहाँ एक से एक बड़ा मगरमच्छ है। किसने कहा है तुमसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? सुना था जनाब। अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी हो, पैसा भी है तुम्हारे पास, जहीन भी हो, फिर क्या है, जमीन पे पांव क्यों नहीं धरते, इतने बुजदिल क्यों? मैं बुजदिल नहीं हूँ सर। फिर क्या है? सर मेरी बहन भी अगवा हो सकती थी और ये सिर्फ धमकी ना थी। अपनी बेगैरती को जबान दे के तूने मेरे दिल का बोझ बढ़ा दिया है। जनाब आपकी बात क्या होगा मेरे बात? जैसे ही आएगा, लेकिन जमीन पे पांव तो धरो तुम लोग। क्या हुआ, क्या था, झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मैंने मुखबरी की थी, वो लोग हेरमन बनाकर बेचते थे। वो लोग कौन लोग? जूरा। जूरा, जूरा कौन है ये जूरा? वही तो है सर। तुम कभी मिले उससे? नहीं। कमाल है। नीली गाड़ी जब नहर के पुल पर से गुजरे, तुम ये ब्रीफकेस सिगरेट वाली दुकान पर रख कर अपनी जेबें टटोलना, जैसे तुम्हारी कोई शय गुम हो गई हो या तुम्हारा बटुआ घर रह गया। इस कामयाब ऑपरेशन पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्या हम जूरा से मिल सकते हैं? यकीनन, यकीनन। देखिए, तहकीकात और शवाहिद के बाद ये पता चला है कि जूरा दरअसल पांच नामों का मरकब, जिनमें से ये जलील, जीम, ये खड़े हैं वहीद, वाओ, राशिद, रेसे जो यहाँ नहीं है, और अफजल, अलिफ। रा इनका सरगुना, उसका नाम भी अलिफ से शुरू होता है, लेकिन फिलहाल जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब तो शुरफा में से हैं सर। जी हाँ, बहुत अरसे मैं भी तहय्युर का शिकार रहा, लेकिन यही वो लोग हैं जो हेरोइन का धंधा करते हैं और हमारी नस्ल को मफलूज कर रहे हैं। रुपया इनकी तिजोरियों में, जुर्म जूरे की फाइल में। आपने वो 25 लाख के कबन की तफसीलात तो पढ़ ली होंगी, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। मुजरमा जैसा सलूक क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैंने अपने इख्तियार से तजावुज नहीं किया, सजा देना मेरा काम नहीं, अदालत का। सर लोगों का ख्याल है कि अशरफा को महज रुपया बटोरने के लिए मुलव्वज़ किया गया। लोगों का ख्याल। देखिए, लोगों की जबान आप हैं, उनके जहन में आप लोग ख्याल डालते हैं, उनके मुंह में लफ्ज आप लोग डालते हैं।
लेकिन याद रखिए, अगर ये बात होती तो 25 लाख रुपया बरामद ना होता, मुलजिम सजा पाता और बस। एक सवाल करप्शन के बारे में सर, चोरी चकारी बढ़ती क्यों जा रही है इस इलाके में? ऐसी बात नहीं है, बढ़ी नहीं है, सिर्फ यह है कि मैंने छुपाया कुछ नहीं आप लोगों से। इसे खत्म भी किया जा सकता था और मैं समझता हूँ कि शायद इसको उसके खत्म करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। ये बात नहीं है, देखिए जुर्म का ताल्लुक जहालत से, जो जो जहालत खत्म होगी जुर्म भी बतदरीज कम होता चला जाएगा, मेरा ईमान है। देखिए ये आपके सामने फाइल है, ये 25 साल पर फैली हुई है, देख लीजिए कितने आए कितने गए, लेकिन शुरफा का दुश्मन कोई नहीं था। बुला उसको। हेलो गरम अली गुलाम। हेलो, ये देखिए ला इसको इधर, ये देखिए इसका चेहरा, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, इसने अपना राज छुपाने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ली है। एनीवे थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अब तो सिर्फ मैं हूं। और मैं? मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए।